व्यवस्था विवरण अध्याय 31, व्यवस्था विवरण अध्याय 31। और मूसा ने जाकर यह बातें सब इसराइलियों को सुनाई, और उसने उनसे यह भी कहा कि मैं आज 120 वर्ष का हूं और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यर्दन पार नहीं जाने पाएगा, तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है, वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशु तेरे आगे आगे पार जाएगा, और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियो के राजा सिहोन और ओग और उनके देश को नाश किया, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैं तुमको सुनाया है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलों के सन्मुख कहा कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिससे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। फिर मूसा ने यह व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को, जो यहोवा की वाचा के संदूक उठाने वाले थे, और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी कि सात सात वर्ष के बीतने पर, अर्थात उगाही न होने के वर्ष के झोपड़ी वाले पर्व में, जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठा हो, तब यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या हमारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखे, और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करे, और उनके लड़के बाले जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखे कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहे जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है, तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलकर मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया, और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखों के संग सो जाने पर है, पर ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे, जिनके मध्य में वे जाकर रहेंगे और वे व्यभिचारी हो जाएंगे, और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे, उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा, और ये आहार हो जाएंगे और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेगा, यहां तक कि ये सब उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिरकर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। सो अब तुम यह गीत लिख लो और तू इसे इसराइलियों को सिखाकर कंठ करा देना, इसके लिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे, जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी
और जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हष्टपुष्ट हो जाए, तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना कर लेंगे और मेरा तिरस्कार उनकी तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका, मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेगी। तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इसराइलियों को सिखाया और उसने नून के पुत्र यहोशू को आज्ञा दी कि हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इसराइलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा और मैं आप तेरे संग रहूंगा। जब मूसा इस व्यवस्था के वचनों को आदि के संत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा के संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी कि व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे, क्योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवन और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों न करोगे? तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग बिल्कुल बिगड़ जाओगे और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी छोड़ दोगे। और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रिस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्तियां आ पड़ेगी। तब मूसा ने इसराइल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाये।